आना हो तो प्लीज अपना आधार कार्ड जरूर जरूर लेकर आना। ये चीज ये इन्फॉर्मेशन चलेंगे बहुत जरूरी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी ना सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग अपने घर से निकल गए हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं जो 26 जनवरी पे जो परेड निकलती है ना वो देखने के लिए। तो वहाँ पे झांकियाँ भी निकलेंगी और जो भी प्लेन वगैरह जो जाते हैं, जो हम टेलीविज़न पे जो टेलीकास्ट देखते हैं ना लाइव, वो आज हम लाइव अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। तो पहली बार जाने वाले हैं, मज़ा आएगा। तो हमारे साथ अब एक और मेंबर जुड़ गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग। सब खाली पेट आ गए हैं, ऐसे मूड आउट आ गए। आज चाय मेरी तरफ से, आगे की चाय पिलाएंगे पर अपने हाथों की नहीं बाहर की। सो गाइस, अब हम मेट्रो में पहुंच गए हैं और अजय और जो है टोकन लेने गए हैं। अजय और अजय के भैया जी वो रहे। अरे इधर कर लो विक्की। ये हमारे रियल जोकर ऑस्टिन है, दो दो लड़कियों के साथ जो हमारे वो मोटा मोटा काला काला है वो। अच्छा क्या बना दिया तुम्हें हीरो? हीरो है भाई, लड़कियों में घिरा रहता है। और भैया अलग से खड़े हैं, कह रहे कोई साथ देने वाली है ही नहीं अभी तक। अब हम पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ से पैदल पैदल का सफर तय करते हुए हम जाएंगे कौन सी जगह है जहाँ जा रहे हैं। इंडिया गेट, इंडिया गेट पर जो है परेड हो रहा है। मतलब देख लो, ये हो गई है करीब 24 साल की, लेकिन इसे ये नहीं पता कि कहाँ होते हुए। अच्छा चलो कोई नहीं, इतना तो माफ कर देंगे हम। गाइस, अब पहुंच गए इंडिया गेट और यहाँ पर ना सारी तैयारी हो चुकी है, अब परेड आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जैसे माइक में जो भी कुछ बताते हैं, मानने वानने जो भी चीजें होती है मुझे पता नहीं है, तो हम सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन हमें ना सीट नहीं मिली। बड़ा दुख की बात यह है, हम आधार कार्ड लाना भूल गए तो उसके चक्कर में एंट्री तो मिल गई जैसे तैसे करके, हो गया फोन पे मंगवा के हमने आईडी दिखा दी, थोड़ा लेट हो गए तो सीट नहीं मिली। अब खड़े हो गए हम जिंदगी के मजे लेंगे। और भाग भाग के आया, कम से कम कितने मिनट, 20 मिनट ना, 20 मिनट भाग लड़की का सारा मेकअप उतर गया। 20 मिनट हो भाग भाग से आए हो। वैसे एक बात पूछना चाहूंगा, बुराड़ी से नहीं, बुराड़ी से भागती है? नहीं, कौन सा मेट्रो स्टेशन? सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो स्टेशन से लेकर इंडिया गेट तक भागते भागते आए पैदल पैदल। सुस्ती भी आ रही थी, सबने कंट्रोल कर ली। सोलंकी कर रहे हैं, मिनटों में नहर नाले जैसी दुर्गम बाधाएं पार करने में पूरी तरह से सक्षम। ये मैकेनाइज्ड दस्तों का मार्ग अब कोई बाधा नहीं रोक सकती, न रुकेंगे। As a crew of 6, the mobile ASCOR node is developed indigenously and upholds the Atmanirbhar Bharat mission. The motto of the core is against enemy aerial platforms. Akash weapon system capable of keeping our skies protected and safe. Used as a potent deterrent in 2019, it was employed as a countermeasure to Pakistan's efforts. Mechanized infantry ke Harshdeep Singh, Sohi ke sashakt haath. Now do notice the Rudra formation of the Indian Army consisting of 2 Dhruv helicopters and 2 Rudra helicopters. Formation led by Colonel Rajendra Singh Jam of Sena. तो आ जाएगी ममता को छोड़ दोगे तुम्हें। Next, ladies and gentlemen, on the heels of
comprising 144 air warriors and four officers led by squadron leader Sindhu Reddy marching past the Kartavya Path. Air superiority fighters today led by group captain Chitman Arora. इस दस्ते में पुरुषों और महिलाओं का मिश्रित मार्चिंग दस्ता एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष और नारी दोनों के लिए समान अवसर स्टार्टेस वयम रक्षामः व्हिच मींस वी प्रोटेक्ट. और अब देवी और सज्जनों आप देख सकते हैं यूनियन हैज बीन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू अबाउट 23 मिलियन पैसेंजर्स डेली ओवर इंडियन रेलवे. Consisting of 148 senior division cadets. NCC has 17 directorates, which comprises of nearly 14 lakh cadets on its roll. NCC is one of the Islamic innovation sports that I am sustaining in Nandini Purandare. Our strength is our vitality is our solidarity. Our solidarity is the spirit of nation first. पैनल पर दर्शाया गया है वो देखें धर्म और विरासत समृद्धि का प्रतीक झांकी. ICAR की झांकी पोषक तत्वों के पावर हाउस मिलेट्स यानी मोटे अनाजों पर केंद्रित भारत सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए नशा मुक्त देश अब भारत को बनाना है. नशे को अब जड़ से मिटाना है. ड्रग्स से इस जंग में साथ हम सभी. Ministry of Home Affairs presents Nari Shakti, the CAPFs from BSF, CRPF, CISF, IGBP, SSB and IGBP. भागीरथ प्रयास को दर्शाया गया साथ ही कछुआ मधुमक्खी के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर अपने the theme Shakti or Women Power and celebrates the divine feminine presides in and empowers all living beings. जो मेरे के लिए है. चारों represents गाला का आविष्कार करने वालों ने भी ये नहीं सोचा होगा. खड़े होकर अद्भुत संतुलन के साथ स्मार्ट सैल्यूट दिया उन्होंने कि जमीन मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां मेरी जिंदगी परवाज है वो फिजा मेरी इबादत करके सागर की लहरें मेरी बात हटने कभी पीछे हटने देखा न.
कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा रहा और लिटरली सारी झांकी देखने को मिली, हर स्टेज पे वो झांकी दिखाई गई और लास्ट में जो ऊपर मतलब आसमान में जितने भी कलर्स वगैरह प्लेन वगैरह ये सब दिखाया ना, बहुत अमेजिंग लड़ाकू जहाज थे वो, मजा आ गया, मतलब बहुत ज्यादा मजा आ गया। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहूँगी कि मतलब एक बार सबको आना चाहिए, चैटी का किसी से ले लो और यहाँ पे एक दिन का दो मतलब दो लोग अलाउ होते हैं, दो लोग अलाउ होते हैं, जब आना हो तो प्लीज अपना आधार कार्ड जरूर जरूर लेकर आना। ये चीज ये इन्फॉर्मेशन चलेंगे बहुत जरूरी है। तो आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी ना कि टीवी से ज्यादा साफ दिखता होगा, पर अपना आगे आगे तो आगे एकदम साफ एकदम क्लीन जो फील, मतलब रियल में फील अच्छा है या टीवी में? रियल की तो बात ही अलग है यार, वो तो अलग ही लेवल था। तो भैया आप क्या कहना चाहोगे? भैया कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो हिम्मत से सुना था हमने कि मजा नहीं आता, ये हिम्मत क्या था? क्या पता वो कहावत बनी है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया आप क्या कहना चाहोगे? फीलिंग जो जागी है वो भारत के प्रति बहुत अच्छी है, ये तेज बातें नहीं है हमारे। तो अब हम आ गए हैं इंडिया गेट के बाहर, मतलब रोड पे, और हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन तक पैदल पैदल। पीछे अजय मोटू और अजय की हालत देखो पैदल चल चल के, क्या अजय की हालत, अपने आप को देख। अजय कैमरा आते ऐसे होता है, अबे मस्त है, अबे अपने आप को देख, सामने बदल जाते हो। अजय तुम, अजय तुम दिखावटी आदमी हो, अपने बारे में मत बताया करो। तो इसी के साथ हम अब ब्लॉग काजिया बद्दुआ दे रहा है अजय मुझे, इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। अजय की बद्दुआ काम आ रही है, तो तुम जल चढ़ा के आयो ना भगवान को। तो बाय बाय, टाटा, फिर से मिलते हैं अगले ब्लॉग में।